नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन गट्टे की सब्जी। वैसे मैंने ये पहले भी बनाई हुई है, लेकिन इसे आप एक छोटी सी ट्रिक के साथ बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई में लिया है 1.5 कप बेसन, जिसे मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। कलर बिल्कुल भी बदलना नहीं है इसका, चलाते रहिएगा और ध्यान रखिए इसका कलर ना बदले। तब तक इसे हल्का सा, जब आपको खुशबू आने लग जाएगी बेसन की, तब तक आपको इसे भूनना है। और इसे भून कर मैं अलग से एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और ये वाली ट्रिक बहुत पुरानी है, तो ये वाली ट्रिक मुझे याद आ गई अचानक से और मैं पुराने स्टाइल से आज ये बेसन की सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पर ये है पत्थर वाला जो दोरी सोटा है, पंजाबी में हमारे कहते हैं, तो ये लकड़ी का, इससे मैं मसाला पीस रही हूँ उसके अंदर, लहसुन प्याज अदरक। और इसका जो टेस्ट था ना सब्जी का, बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पर बेसन जो भुना हुआ है उसके अंदर प्याज, अजवाइन, नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर इसके अंदर डालिए थोड़ा थोड़ा पानी और 2 चम्मच दही जरूर डालिएगा, जिससे आपके बेसन गट्टे सॉफ्ट बनेंगे। ये बड़ी आसानी से गूंज जाता है जब आप इसे भूनते हैं। बेसन गट्टे बनाते समय बेसन भूनने से चिपकता भी नहीं है। इस तरह मैं इसके सारे बेसन गट्टे बना रही हूँ। और एक पतीले में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, उबलने के लिए। जब पानी उबल जाए तब हम बेसन गट्टों को इसके अंदर डाल देंगे और तब तक उबालेंगे जब तक बेसन गट्टे अपने आप ऊपर ना आ जाए। इधर मैंने कढ़ाई में जो मैंने मसाला कूटा था दोरी सोटे में, उसे मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता, जीरा, हींग भी ऐड किया है। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसी में कूटे हुए टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, और अच्छी तरह से इसे भून रही हूँ। अच्छी तरह से प्याज को पहले भूनिएगा, उसके बाद टमाटर ऐड कीजिएगा। और ये जा रहे हैं फिर से मसाले, सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जो मैं हमेशा से डालती आ रही हूँ। आप भी जो आप मसाले खाते हैं वो इसमें ऐड कीजिए। और ये थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी ऐड किया मैंने। और इसमें जाएगा ग्रेवी में भी दही। और इधर हमारे देखिए ये बेसन गट्टे ऊपर आ गए और अब हम इन्हें प्लेट में निकाल के कट कर लेंगे। और जो बॉईल किया वो पानी उसे फेंकेंगे नहीं, उसी से हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो इस तरह से मैं पीसेस में बेसन गट्टों को कट कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी ग्रेवी हो गई तैयार। ये देखिए ऑयल बाहर आ गया है और बेसन गट्टों को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट इसे भूनी आने देंगे, अच्छे से ये बेसन और मसाले अच्छे से पक जाएं, क्योंकि जो हमारी ग्रेवी है वो पहले से पकी हुई है। तो बेसन गट्टों को मसाले के साथ पकाकर आप ड्राई भी निकाल सकते हैं। और मैंने ये जो उबला हुआ बेसन का पानी है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और इसे बॉयल होने दिया। अच्छे से बॉईल होने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए ये हमारी बेसन गट्टे की मज़ेदार सब्जी हो गई है रेडी। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती है तो ये और टेस्टी लगती है। तो आप इसे ठंडी करके खाएंगे तो और मज़ेदार लगेगी। पराठों के साथ, पूरी के साथ, फुलकों के साथ इंजॉय कीजिए किरण की रसोई से मज़ेदार बेसन गट्टे की सब्जी।